हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मोहम्मद हमज़ा का सेकंड ब्लॉग है जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद हमज़ा मसाज की तरह किस तरीके से लेता है डेली, और वो बहुत खुश होता है मसाज लेते टाइम पे। ये आप देख रहे हैं, ये गुट्टी है जो मोहम्मद हमज़ा को डेली मसाज देने से पहले खिलाया जाता है, जिसमें बादाम, जायफल और सूखा खजूर और शहद मिलाकर दिया जाता है। आप मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। आपको काफ़ी चीज़ें देखने मिलेंगी मेरे बच्चे के चैनल में। इसमें गर्म पानी पहले पत्थर में डाला जाता है, फिर उसे रगड़ रगड़ कर उसको निकाला जाता है, फिर वो बनाया जाता है, फिर उसको चम्मच में देकर मोहम्मद हमज़ा को खिलाते हैं। ये मसाज वाले आंटी है जो मोहम्मद हमज़ा को डेली मसाज करने आते हैं, बहुत ही सफाई से वो करते हैं। जो पत्थर है उसको हमने वॉश किया है गर्म पानी से। मोहम्मद हमज़ा के लिए मसाज के लिए खोपरे का ऑयल मीन्स कोकोनट ऑयल और जैतून का ऑयल यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल गर्मी चल रही है, इसीलिए देखिए मोहम्मद हमज़ा कितना हैप्पी होता है मसाज कराते टाइम, बहुत खुश होता है वो मसाज करने टाइम पर। आंटी उसके साथ पहले मस्ती करते हैं, उसे रिलैक्स फील करवाते हैं, फिर उसका मसाज करते हैं। मोहम्मद हमज़ा मुझे देख रहे हैं, देखिए कैसा खाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चे को उससे बहुत ताकत मिलती है, आपको भी अपने बेबी को खिलाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। के सर पे अभी खोपरे का ऑयल कोकोनट ऑयल रख रहे हैं। आपको तो पता होगा बच्चों के सर पे ऑयल रखना कितना ज़रूरी है। उसकी अभी सर की मसाज हो रही है। बहुत ही खुश होता है मोहम्मद हमज़ा मसाज करते टाइम, उसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे क्राई करते हैं लेकिन मोहम्मद हमज़ा माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं रोता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो हंस हंस के मसाज कराता है खुशी से एकदम। आज दो व्लॉग आने वाले हैं। एक्चुअली मोहम्मद हमज़ा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। आप मेरे व्लॉग का वेट कर रहे होंगे। आई नो मोहम्मद हमज़ा को रैशेस हो गए हैं, जो ब्लॉग के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। ये रैशेस से पहले के मसाज वीडियो हैं। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है उसके वजह से उसे पूरे बॉडी फेस पर रैशेस हो गए थे। देखिए मोहम्मद हमज़ा कितने हैप्पी होकर मसाज करवाता है, एकदम खुशी से, एकदम अच्छे से। वो मुझे ही देख रहा है, देखिए बहुत ही हैप्पी, उसे बहुत अच्छा लगता है मसाज कराने। आंटी हमारे इधर के हैं, बहुत ही अच्छा मसाज करते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही उनके हाथ में बहुत शिफा है, बहुत अच्छा मसाज करते हैं। हमें तो बहुत उनके हाथों से मसाज कराना बहुत, और मोहम्मद हमज़ा उनको बहुत अच्छे से पहचान भी गया है, तो हमें वही अच्छे लगते हैं मसाज कराते टाइम, तो हम उन्हें ही बुलाते हैं।
मोहम्मद हमजा का सेकंड ब्लॉग भी जो है जो बाथिंग का है, मतलब नहाने वाला, कि बच्चों को किस तरीके से केयर करके अच्छे से कैसे मिलाया जाता है, अगर आपको वो देखना रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना। अब उसके बैक की मसाज हो रही है, वो उल्टा होकर मसाज कराना उसे पसंद नहीं है, बहुत क्राई करता है उल्टा हो रहा है उसको। माशाल्लाह से देखिए कैसे स्माइल कर रहा है मेरा बेटा। आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मोहम्मद हमजा ने रात में काजल लगाया था ना, माशाल्लाह से उसकी आंखें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मोहम्मद हमजा सो रहा है, रैशेस के दवा दिया है उसको और जेल दिया है बॉडी पे लगाने के लिए, तो उसे बॉडी पे जेल लगा के उसे अभी सुलाए हूँ मैं। काफ़ी बहुत इरिटेट हो रहा है वो, आई थिंक सो उसे बहुत जल रहा है बॉडी पे। देखिए मोहम्मद हमजा का मसाज हो चुका है, उसने देखिए रैशेस हो गए हैं, देख रहे हैं आप। प्लीज़ मेरे बेबी के लिए दुआ कीजिए कि उसके रैशेज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, आपकी दुआ में शिफा हो गई इंशाल्लाह। मेरे बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, काफ़ी इरिटेट होता है, बहुत रोता है। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए और सेकंड ब्लॉग के लिए मुझे कमेंट्स करके बताइए, और सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई बेबी चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्वीट ड्रीम ऑल्स।